हेलो एवरीवन, हम लोग आज सेकेंड स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में हैं। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर वन। चैप्टर वन में हम लोग अल्फ़ाबेट सीखा था। आज हम लोग चैप्टर वन का ही वन में से वॉवल एंड कॉन्सोनेंट सीखेंगे। स्टूडेंट्स, पेज नंबर आपको पेज नंबर 7 खोलना है। ऊपर आप देख पाओगे हेडिंग पर लिखा है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। यू नो द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। हम लोग जानते हैं, हम लोगों को पता है इंग्लिश में 26 लेटर्स होता है, ए से लेकर जेड तक, जो हम लोग पिछले वीडियो पे सीखा था। फाइव ऑफ दिस आर वॉवल। हम लोग जो नया सीखेंगे, ए क्या है, जो पांच लेटर है 26 लेटर्स में से पांच लेटर है वॉवल। तो कौन सा लेटर है, ए ई आई ओ यू, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। 26 में से पांच लेटर वॉवल है ए ई आई ओ यू। द अदर 21 आर कॉन्सोनेंट। 26 में से अगर पांच लेटर हम लोग वॉवल हो गया तो कितना लेटर्स पड़ रहा है, 21 लेटर्स। बाकी जो 21 लेटर्स है इसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और पांच ऊपर है वॉवल्स। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, वी यूज अ बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ वर्ड्स का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट के जैसा साउंड करता है तो उससे पहले ए होता है। इसमें कुछ वर्ड्स है जैसे अ मैन, क्यों लिखा है, क्योंकि एम देखो कॉन्सोनेंट है ना, तो आपको हमेशा फर्स्ट लेटर देखना है, एम ए ए मैन, एम ए ए मैन, मैन जो फर्स्ट लेटर है एम, ये कॉन्सोनेंट है। तो हम लोगों ने पहले आपको मैं बताती हूँ, कॉन्सोनेंट में पहले ए आता है और जो वॉवल है ए ई आई ओ यू, इसका पहले हमेशा एन होता है। कुछ वर्ड्स ऐसा है जो कॉन्सोनेंट्स के जैसा साउंड करता है तो उसका पहले भी ए ही आएगा, ठीक है। जैसे मैन, स्टार्टिंग एम जो है लेटर कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए आया। अ चेयर, चेयर जो है सी भी कॉन्सोनेंट है तो इसका पहले ए आएगा। आ यूनिकॉर्न, इसका पहले क्यों, यू तो वॉवल है ना, यू वॉवल है, इसका पहले ए क्यों आया ये आपको बाद में मैं समझाती हूँ, पहले ए देख लो एक बार। टेबल, ए भी टी जो है टी कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए आया। वुमन, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए आया। नेक्स्ट यूजफुल, यूजफुल बुक, इसका पहले ए आया। स्टूडेंट्स, ये जो यूनिकॉर्न लिखा है इसका यू तो वॉवल है, इसका पहले क्यों ए आया, मैं आपको पहले ही हेडिंग पर क्या लिखा है, कुछ लेटर्स ऐसा है जो सुनने में कॉन्सोनेंट के जैसा सुनने में आता है तो उसका पहले ए आता है, जैसा यूनिकॉर्न, इसका कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो इसीलिए ए आया। ऐसा ही यूजफुल बुक, ए यू वॉवल है लेकिन इसका जो साउंड निकल रहा है यूजफुल बुक, तो इसका साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा सुना रहा है तो इसीलिए इसमें इसका पहले यू का पहले ए आया। नेक्स्ट क्या लिखा है, वी यूज एंड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद ए वॉवल साउंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्ड्स का फर्स्ट लेटर वॉवल के जैसा साउंड करता है उससे पहले एन होता है। वॉवल होगा ए ई आई ओ यू, पांच लेटर है वॉवल के तो आएगा एन होगा ही। कुछ लेटर, कुछ लेटर्स का वर्ड्स का फर्स्ट लेटर वॉवल के जैसा साउंड करता है तो उससे पहले भी एन होगा, जैसे अवर, एच है इसमें है ना, एच तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका पहले एन क्यों हुआ, उसका साउंड वॉवल के जैसा सुना रहा है अवर, इसीलिए उसका पहले एन हो गया। तो ई डबल जी एक ई वॉवल है तो इसीलिए वॉवल का पहले हमेशा एन होगा। ई आई, इग्लू का आई जो है फर्स्ट लेटर वॉवल है इसीलिए एन हुआ। अवर का क्यों एन हुआ आपको मैं बता दिया,
एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड भावल के जैसा निकल रहा है, तो इसीलिए इसका पहले एन हुआ। नेक्स्ट आउल, वो भावल है इसीलिए एन हुआ। एप्पल का फर्स्ट लेटर ए है, एन हुआ इसीलिए। अम्ब्रेला का यू फर्स्ट लेटर जो है ए भी भावल है, तो इसका पहले एन आ गया। तो आपको हमेशा याद रखना है भावल के पहले एन होगा और कंसोनेंट के पहले जो लेटर्स है उसका पहले ए होगा। अभी नेक्स्ट, पुट अ और ए और एन विद द फॉलोइंग, मतलब इसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। किसका पहले एन आएगा, कौन सा वर्ड्स का पहले एन आएगा, कौन सा लेटर्स का पहले वर्ड्स का पहले ए आएगा, ये आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या लिखा है, डैश एग, तो ई फर्स्ट लेटर वॉवल है, तो ई एग जो है इसका पहले आ जाएगा एन। डैश बिग एग, एग ही है लेकिन इसका फर्स्ट लेटर क्या है, बिग, बी है, बी जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो इसका पहले आएगा ए, अ बिग एग। डैश एप्पल, इसका फर्स्ट लेटर ए है मतलब वॉवल है, तो इसीलिए एन आया, एन एप्पल। नेक्स्ट रेड एप्पल, एप्पल लिखा है लेकिन आपको फर्स्ट लेटर ध्यान रखना पड़ेगा, क्या लिखा है, रेड, रेड का आर फर्स्ट लेटर जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा अ रेड एप्पल। नेक्स्ट लायन, कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए आया अ लायन। एंग्री लायन ए है, फाउल है, तो इसीलिए फिलिंग द ब्लैंक्स में आ गया एन, एन एंग्री लायन। नेक्स्ट फोर, डैश बॉय बी है, कॉन्सोनेंट, इसीलिए अ बॉय। डैश हॉनेस्ट बॉय एच है, एच कॉन्सोनेंट है लेकिन ऑनेस्ट बॉय मतलब इसका साउंड जो निकल रहा है ये वॉवल के जैसा आ रहा है, इसीलिए इसका पहले एन हो गया, एन ऑनेस्ट बॉय। नेक्स्ट डैश मैन, मैन का एम, एम जो है लेटर कॉन्सोनेंट है, अ मैन। डैश ओल्ड मैन ओ वॉवल है, आ गया इसीलिए एन। डैश एक्टर, तो ए है, ए वॉवल है, इसीलिए आ गया एन। डैश ग्रेट डॉक्टर, सॉरी डैश ग्रेट एक्टर, तो एक्टर है पीछे लेकिन उसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो वर्ड है उसमें ग्रेट लिखा है और जी है, जी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए अ ग्रेट एक्टर। नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर एट, क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। ए वर्ड्स को फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना पड़ेगा ए और एन लिखकर, तो ए किधर आएगा, एन किधर आएगा, ये आपको करना है, ठीक है। हम लोगों ने सीख लिया ए ई आई ओ यू वॉवल होता है, उसका पहले एन आता है और कॉन्सोनेंट जो है उसका पहले ए आता है। तो इसमें क्या लिखा है, आई हैव डैश एप्पल, मेरे पास एप्पल है, एप्पल आपको देखना है ए है, तो इसमें क्या आ जाएगा एन, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है। डैश ईगल इज डैश वर्ड, तो ई ध्यान रखना पड़ेगा, ई ए वॉवल है इसीलिए एन आ गया, एन ईगल इज अ बर्ड, क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है। डैश आई हैज डैश लीड, तो आई का ई वॉवल है इसीलिए एन। लीड पलक, तो एल कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए। एन आईज हैज अ लीड। डैश फ्लाई इज डैश इंसेक्ट, फ्लाई मक्खी इंसेक्ट है, तो एफ कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए आया। इंसेक्ट का आई जो है वॉवल है इसीलिए एन आया, अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट, मक्खी एक इंसेक्ट है। डैश बनाना इज डैश फ्रूट, बनाना का बी देखना पड़ेगा, तो बी कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए। फ्रूट का एफ भी कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए। अ बनाना इज ए फ्रूट, बनाना एक फल है। डैश काउ इज डैश एनिमल, काउ का सी
कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए आया। ए काउ इज एनिमल का ए फाउल है इसीलिए इसमें एन आया। अ काउ इज एन एनिमल, काउ एक एनिमल जानवर है। डैश एलिफेंट हैज़ डैश ट्रंक, एलिफेंट का ई वाउल है इसीलिए इसमें एन आया। एंड एलिफेंट हैज़ ट्रंक का टी कॉन्सोनेंट है इसीलिए इसमें आया ए। एलिफेंट का एक ट्रंक मतलब सूंड है। मोहन हैज़ डैश स्वीट ऑरेंज, एस कॉन्सोनेंट है इसमें आ जाएगा ए। मोहन हैज़ ए स्वीट ऑरेंज। नेक्स्ट क्या लिखा है, चूज सुटेबल वर्ड्स टू कॉम्प्लीट द सेंटेंस, यूज अ एंड विद ईच वर्ड्स। ये साइड पे कुछ वर्ड्स दिया गया है, ये वर्ड्स में से आपको चूज कर सही लिखकर एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर वन तो एग्जांपल पे है, अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट का आई जो है वाउल है इसीलिए एन आ गया। क्वेश्चन नंबर टू, एन एक्स इज क्या होगा, एक्स जो खिलाड़ी है वो एक टूल होता है तो इसमें आएगा, इसमें से आपको टूल निकालना, टूल ढूंढना पड़ेगा, टूल। तो टी का ये टी जो है ये कॉन्सोनेंट है इसीलिए इसमें ये आ गया, एन एक्स इज अ टूल। थ्री, अ केक इज, केक हम लोग खाते हैं फूड आइटम है तो इसमें से ढूंढा मैं तो इसमें फूड आइटम आएगा, ठीक है। तो एफ कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए आया, अ फूड आइटम। फोर, अ बुक्स इज, इसमें से चूज करना पड़ेगा अ थिंग्स, बुक्स एक वस्तु है और टी जो है कॉन्सोनेंट है इसीलिए आ गया ए। अ बुक्स ए, बुक्स इज अ थिंग, बुक एक वस्तु है। अ नर्स इज, इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा पर्सन, इसमें आएगा एनिमल, पर्सन, बिल्डिंग, वेजिटेबल, तो पर्सन होगा है ना, व्यक्ति। अ नर्स इज अ पर्सन, पी का पी जो है ये कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए आया, अ नर्स इज अ पर्सन, नर्स एक व्यक्ति है। द टाइगर इज, टाइगर टूल, बट फूड, फूड आइटम, थिंग्स, इंसेक्ट, फ्लावर, एनिमल है ना, एनिमल होगा, जानवर है तो इसीलिए इसमें आएगा एनिमल। और एक ए फर्स्ट लेटर ए फाउल है इसीलिए इसमें आ गया एन। द टाइगर इज एन एनिमल, टाइगर एक जानवर है। द लिली इज, लिली फूल का नाम होता है तो इसमें आएगा फ्लावर। द लिली इज अ फ्लावर, लिली एक फूल का फूल है। चर्च इज, इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा पर्सन, एनिमल, फ्लावर, इंसेक्ट, ये सब नहीं होगा, बिल्डिंग होगा। अ चर्च इज अ बिल्डिंग, बी ए क्यों आएगा, क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है, ओके। द ब्रिंजल इज, ब्रिंजल क्या होता है, वेजिटेबल का नाम होता है ब्रिंजल, तो इसमें आएगा वेजिटेबल, वेजिटेबल तो भी कॉन्सोनेंट है इसीलिए आ गया अ। द ब्रिंजल इज अ वेजिटेबल, ब्रिंजल एक सब्जी है। द बनाना इज ए फ्रूट, बनाना एक फल है तो इसीलिए फ्रूट लिखा, और इसका पहले ए क्यों आया, क्योंकि एफ कॉन्सोनेंट है। द पैरट इज, पैरट क्या है, बर्ड है तो इसमें से ढूंढकर आपको लिखना था तो बर्ड लिया मैं। द पैरट इज अ बर्ड, ए क्यों आया स्टूडेंट्स, राइट, बी कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए आया, द पैरट इज ए बर्ड, पैरट एक पक्षी है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9, से व्हाट यू सी इन इट पिक्चर, दिस इज अ, दिस इज एन, किसका पहले एन आएगा, किसके पहले ए आएगा, आप पिक्चर देख को आपको बोलना है, ठीक है। तो हम लोग पहले माउस का पिक्चर देख लिया, क्योंकि ये देखो आप बॉक्स में जो थिंग्स है सभी का नाम्स दिया गया है तो ये इसमें से आपको नाम नेम्स मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले है माउस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अ माउस। नेक्स्ट वेस, तो इसमें क्या, अ वेस। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, सस्पेंड का फोटो है तो इसमें क्या आएगा, अ सस्पेंड। अ सीप, एन एग, क्योंकि ई फाउल है, एन एग। अ कटल, एन
एंड, ए हेन, अ डेस्क, अ चिमनी, अ रेडिश, एन एनवेलप, क्योंकि ई एनवेलप का ई स्टार्टिंग ई जो है ये फावल है, एन एनवेलप, अ फिश, अ ट्री, अ नाइफ, अ डोर, अ हॉर्स, अ स्पून, एन इसमें क्या आएगा, ऑक्स, क्योंकि वो है फावल, तो इसमें आ जाएगा एन ऑक्स, अ काइट, एन एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन का फर्स्ट लेटर है आप देखो ए, तो इसीलिए इसमें आ जाएगा एन एरोप्लेन। नेक्स्ट है ऑनियन, ऑनियन पे क्या आएगा, एन ऑनियन, क्योंकि ऑनियन पे भी ए ओ है, जो लेटर है ये फावल है। आइसक्रीम, इसमें में क्या आएगा, आई से स्टार्टिंग है तो इसमें आएगा एन आइसक्रीम, एन एक ग्लू। तो जैसे आपको ये सिर्फ पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना है, मैं जैसे आपको बताया ऐसा आप बॉक्स में से नाम ढूंढोगे और ऐसे किसका पहले ए, किसका पैसा एन, किसका पहले एन आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, अब घर पे रहो और अच्छे से वीडियो देखो और प्रैक्टिस करते रहो, और इंग्लिश 2 का बुक्स पूरा कंप्लीट करके रखना है। थैंक यू।